हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र धाकड़। वेलकम टू फ्लाई हाई एकेडमी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ईच, एवरी, ईदर, नीदर। जी हाँ, इस वीडियो में आपको ये चारों को एक साथ पढ़ाने का रीजन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये चारों के चारों आपके सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। इनका चारों के चारों का, ईच, एवरी, ईदर और नीदर का। अब आप इसमें ध्यान से सुनिएगा, ईच, एवरी, नीदर, ईदर के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। और साथ में वर्ब भी क्या होते हैं, आप सिंगुलर ही लगाते हैं। वर्ब हमेशा कौन सी लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे ईच स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज, ईच स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज, प्रत्येक स्टूडेंट को प्राइज मिला, प्रत्येक स्टूडेंट को प्राइज मिला। अब इसमें मैं एवरी में यूज करूंगा, तो एवरी, जैसे एवरी सीट वाज ऑक्यूपाइड, एवरी सीट वाज ऑक्यूपाइड। जैसे ईदर, जैसे हम इसमें ईदर बुक इज यूजफुल, ईदर बुक इज यूजफुल और नीदर बुक इज यूजफुल। अब मैं आपको बताता हूँ ईच, एवरी, ईदर, नीदर का मतलब क्या होता है। ईच और एवरी दोनों का मतलब होता है प्रत्येक या एक, प्रत्येक। और ईदर का मतलब होता है या तो ये या तो ये, मतलब कोई दो चीजें उनमें से, या तो ये चीज या तो ये। या ईदर बुक में एक लिखा था नीदर मीन्स ना ये और ना ही ये, लेकिन आएगा इसमें सिंगुलर। आगे समझ में आपको ये ईच, एवरी, ईदर और नीदर का यूज। अब इसमें एक आपको समझने वाली बात है, अगर आपका किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वाक्य में एवरी के बाद कोई प्लूरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं, प्लूरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जैसे कि 2, 3, 4, 5, ये नंबर जो होते हैं आपके प्लूरल में आते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बस इसी में ही आपको प्लूरल नाउन यूज करना है, मतलब बहुवचन नाउन आपको यूज करना है। जैसे सी टेक्स मेडिसिन एवरी 3 आवर्स, सी टेक्स मेडिसिन एवरी 3 आवर्स। और इसमें जैसे, और ये 3 आवर्स था तो आप देखेंगे 3, तो इसमें आपको एवरी 3 आवर्स आ गया, क्योंकि 3 आपका प्लूरल होता है। अब इसके बाद आता है ही विजिट्स हेयर एवरी 2 मंथ्स, ही विजिट हेयर एवरी 2 मंथ्स, तो 2 आपका यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। तो आपको एवरी में यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बाकी आपको पता चलेगा ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इन सभी में क्या आपको सिंगुलर नाउन ही हमेशा यूज करना है, क्योंकि मैं हमेशा ये सिंगुलर के लिए ही यूज किए जाते हैं, प्लूरल के लिए यूज नहीं किए जाते। सर प्लूरल के लिए कौन यूज किया जाता है, वो आपका एवरी, एवरी में, और वो भी एवरी में कब यूज करना है, जब आपका उसका प्लूरल नाउन दिया हो, जैसे 2, 3, 4, वो भी प्लूरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स 2, 3, 4, 5, 6 दिया, तो आपको यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही आपका ये कंपटीशन इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक छोटी छोटी माइनर मिस्टेक जो होती है हम जो कर जाते हैं, तो इस वीडियो से आप आगे और हमारे साथ बने रहेंगे तो आप बहुत सारी माइनर माइनर मिस्टेक्स को सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।